ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ज्वाली की तरफ से दलितों के समर्थन में ज्वाली में एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन में ज्वाली की कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि दलितों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में दिए अधिकार से छेड़छाड़ ना की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दलितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून में संशोधन के निर्णय को वापिस ले। कमेटी ज्वाली के द्वारा किया जा रहा है जी, आज जो उपवास का कार्यक्रम है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी जो वो दलितों की हितैषी है, वो चाहती है कि वो जो दलितों को अधिकार दिए गए हैं वो उसके साथ कोई भी छेड़खानी ना की जाए। जो अधिकार दिए गए हैं भारत सरकार संविधान में वो जैसे के हैं वैसे की वैसे रहने चाहिए। तो आगे आपका क्या कार्यक्रम होगा अगर सरकार इस पर नहीं कोई, अगर सारे सरकार इसके अगेंस्ट कोई हमारे अगेंस्ट एक्शन लेती है या इसके साथ कोई छेड़खानी करती है तो हमारा जो SC ST एक्ट है उसके उसको हम ठीक करने के लिए जैसे है वैसे रखने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जो है वो उग्र आंदोलन करें। सिटी चैनल के लिए कांगड़ा से दौलत चौहान की रिपोर्ट।